चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज प्रेस से मुखातिब हुए, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। डीजल पेट्रोल पे, लेकिन मनमोहन सिंह जी के टाइम पे $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। आज क्रूड ऑयल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $81 प्रति बैरल है, $50 प्रति बैरल कम हो गए। आपने क्या 40-50 रुपए टैक्स कर दिया? जो कम हुए वो हमको फायदा नहीं दे रहे, नहीं तो आज तो 40 रुपए पे आ जाए पेट्रोल डीजल। तो अब ये झूठा चार्ज लगाते हैं कि राजस्थान में हमने टैक्स बढ़ा दिया। हमने नहीं बढ़ाया टैक्स, केंद्र सरकार ने बढ़ाया। राजस्थान के टैक्स नहीं बढ़े, गैस सिलेंडर 400 रुपए से सीधा 1100 पार ले गए। तो ये तो बीजेपी लेके गई है। नोटबंदी 500 और 1000 के नोट बंद किए, तब बीजेपी ने कहा महंगाई भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और हम है ना जो काला धन लाने के लिए 1000 का 500 का नोट बंद कर रहे हैं, आप हमें 50 दिन दे दो, देश बदल देंगे, मजा आ जाएगा। जब काला धन आएगा तो 15 लाख रच्छे दिन तो अपने आप ही आ जाएंगे। 15 लाख रच्छे दिन आ गए, 500 1000 के नोट जो बंद किए उन नोटों को खत्म करने में मतलब काटने में और नए 2000 के नोट छापने में 50,000 करोड़ रुपए बीजेपी की सरकार ने खर्च किए। अब सिर्फ 6 साल बाद वही मुद्दा वापस, महंगाई भ्रष्टाचार और काला धन लाने के लिए 2000 का नोट बंद कर रहे हैं। अरे बंद कीजिए ना 2000 का नोट, कौन मना कर रहा है? लेकिन दुनिया में इंडिया बदनाम हो गया। गरीब महिला मीडियम क्लास कुछ जिसके भी घर पे 2000 का नोट है, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, तो ये धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाता है। बैंकों में जमा हो कि आप बैंकों में डंप करते जाओ, आधे तो खत्म हो ही गए, अब आपने वापस लाइनों में खड़ा कर दिया। तो 50,000 करोड़ रुपए पहले आप छापने में लगाते हो 2000 का नोट, अब आप उसको बंद करके और वापस क्या खेल खेलना चाहते हो इस देश में? देश समझ रहा है कि ये भी क्या बड़ा खेल है? पर्दे के पीछे क्या कर रहे हो भाई साहब, बताओ तो सही, है क्या ये सारी की सारी राजनीति? अब आप मुझे ये बताइए, राजस्थान के बीजेपी के 25 MP हैं, वो आदर्श गांव कहां पर है? दुनिया ढूंढ रही है 25 MPओं को आदर्श गांव बनाना था, एक एक आदर्श गांव बनाना था। 25 MP है राजस्थान में और आपने बहुत खबरें चलाई, अब प्रधानमंत्री जी के आदेश पर एक आदर्श गांव बनेगा, लोग उसको देखने जाएंगे, देख कर कहेंगे ऐसा होता है आदर्श गांव। मैं 25 MPओं से कह रहा हूं, आदर्श गांव दिखाओ प्रेस को, हमको भी दिखाओ। लोग ढूंढ रहे हैं 1000 रुपए के नोट लेके खड़े, 500 रुपए के 500 रुपए ले लो भैया, 1000 रुपए ले लो, इनाम ले लो, लेकिन आदर्श गांव दिखा दो। ना तो कोई आदर्श गांव एमपीओ ने बनाया, कर्नाटक में जरूर खेल खेलने की कोशिश की, तो वहां पे ये बुरी तरह से इसलिए हार गए कि वहां की जनता समझ गई कि बीजेपी मुद्दों की राजनीति करती है, चुनाव में माहौल बनाकर वोट लेकर फिर जनता को भूल जाती है। कल जो तस्वीरें आई बीजेपी की हवा निकल गई, कल तस्वीरें अच्छी आई है और बीजेपी उस पर ट्वीट कर रही है। यदि कांग्रेस पार्टी का हमारा पार्टी नेतृत्व तो इतना मजबूत है, वो सबको एक करके और कह रहा है सब संगठित होकर चुनाव में जाएंगे, जीत कर आएंगे, इतना ही तो कहा है। तो हमारी पार्टी के लोग संगठित हो रहे हैं और पार्टी का नेतृत्व तो उनको बुलाकर राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, रणधावा साहब दिल्ली में बैठकर बातें कर रहे हैं और अच्छा संदेश जा रहा है, तो दर्द बीजेपी के पेट में क्यों हो रहा है? मेरी ये समझ में नहीं, वो क्यों डरे हुए हैं? इसलिए डरे हुए हैं कि राजस्थान की योजनाएं अच्छी है, देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। आपने उसका राहुल गांधी का मकान खाली कराया बीजेपी वालों ने, वो बजरंगबली ने कर्नाटक से बीजेपी का मकान खाली करा लिया। अब आप बताओ, बीजेपी का मकान तो बजरंगबली ने खाली कराया कर्नाटक से, आप राहुल गांधी का अकेले का मकान खाली कराओगे? उनके सारे मकान खाली करा लिए कर्नाटक से, देश से खाली हो जाएंगे बीजेपी वालों के मकान, ये ध्यान रखना, आप पाप करेंगे तो। अब ये तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ सारी तस्वीर आपके सामने आ गई। मैंने जो आपने देखा है टीवी पे वही मैंने देखा है, लेकिन ये सब सुखद तस्वीरें हैं। पार्टी नेतृत्व जो फैसला करता है उस नेतृत्व के पीछे हम सब खड़े हैं, हम सब पार्टी नेतृत्व के साथ। ओह, मन इतनी गलत फहमी को नहीं, मैं ये जरूर चाहता था जो कल हुआ है वो हो जाए और वो हो गया तो इसका मतलब मेरे स्टार ठीक चल रहे हैं, ठाकुर जी की मेहरबानी है मेरे ऊपर, तो जो मैं सोचता हूँ वो होता है और हो गया, दोनों सब एक हो गया, सब अच्छा हो गया। फॉर्मूला क्या रहा होगा? अब फॉर्मूला तो मन पतो को नहीं, क्योंकि अंदर क्या हुआ फॉर्मूला आपको बाद में पता चलेगा, अभी तो फॉर्मूला सीएमडी कॉन्फेड के सीएमडी को, मैंने भी अखबार में पढ़ा कि कॉन्फेड के सीएमडी को एपीयू किया गया, क्यों किया गया है, क्या कारण है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। और ये जो सारा मामला है इसमें मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ये फूड डिपार्टमेंट को विधानसभा में मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा में ये जो किट बनाकर NFSA परिवार जो फूड डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट ट्रांसपेरेंटली क्लियर डिपार्टमेंट है जहाँ पोस्ट मशीन से गेहूं बांटा जाता है, हर महीने जो गेहूं बट रहा है
वो कांग्रेस की देन है। फ्री में जो गेहूं मिल रहा है ये कांग्रेस सरकार का फैसला है।